साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज इस वीडियो में मैं आपको माता धोतनी माता पाथरी वाली के एक चमत्कारी उतारे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो माता पाथरी धोतनी वाली का ये जो उतारा है, अगर आप इस उतारे को करेंगे तो इससे जो भी आपके घर में कोई ओपरी पराई है, कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, या फिर कोई तांत्रिक विद्या अगर आपके घर में लगी हुई है, तो माता पाथरी माता धोतनी वाली आपका हर कार्य सिद्ध करेगी इस चमत्कारी उतारे के द्वारा। और बिल्कुल भक्तजनों ये सरल विधि है, क्योंकि बहुत घरों में माता पाथरी माता धोतनी वाली जी की मानता है। और पाथरी गांव में माता रानी का स्थान बना हुआ है, इसलिए इसको माता पाथरी वाली कहा जाता है। लेकिन इस माता रानी का जो नाम है माता धोतनी, तो ये जो माता धोतनी है, जिन घरों में भी माता रानी की मानता है, तो जब उस परिवार की उस समूह की जो लड़कियां होती हैं, जब उनकी शादी अगले घरों में की जाती है, जब उनका शुभ विवाह किया जाता है, तो माता पाथरी वाली उन लड़कियों के साथ जाती है। तो जो उनका ससुराल होता है, ससुराल में जाने के बाद जो कुमारी लड़कियों की जिनकी शादी होती है, तो उनके साथ माता पाथरी वाली साथ में जाती है। ऐसी यह चमत्कारी माता है। अगर तो हम इसको सही विधि के अनुसार माने तो ये हमें मालोमाल कर देती है और हर कार्य हमारा सिद्ध करती है माता पाथरी वाली माता धोतनी वाली। लेकिन अगर हम इसकी मानता छोड़ दें तो पूर्ण रूप से ये उनके घर का विनाश कर देती है, पूर्ण रूप से नरक समान उस व्यक्ति की जिंदगी बना देती है माता धोतनी वाली, अगर हम इसकी मानता को छोड़ दें। तो जिन घरों में भी माता धोतनी माता पाथरी वाली की मानता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर कार्य सिद्ध हो और जो भी आपके मन की मनोकामना है उसको माता रानी पूर्ण करे, और जो भी आपके घर में कोई ऊपरी पराई है, कोई नजर टोटका है, या फिर कोई बुरी शक्ति है, या फिर कोई नेगेटिविटी है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी ये देवी है, कुल की जो आपकी ये देवी है माता धोतनी माता पाथरी वाली, के वह आपके दुखों का निवारण करें, तब आप इस छोटे से उतारे को कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी दिन आप इस उतारे को कर सकते हैं, लेकिन अगर बुधवार वाले दिन आप इस उतारे को करेंगे तो आपको ये जो माता रानी की शक्ति है, इस उतारे की जो चमत्कारी शक्ति है, आपको तुरंत रिजल्ट देगी। बिल्कुल सरल विधि है भक्तजनों। तो अब मैं आपको जो है विधि बताने जा रहा हूँ आपके दुखों का निवारण करने के लिए, और जो भी कोई बुरा संकट कोई बुरी शक्ति अगर आपके घर परिवार के ऊपर है या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर है उसका उतारा करने के लिए। तो अब मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी साधना और समाधान चैनल के साथ भक्तजन नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आवल घंटी का आप बटन दबाएं। तो अब मैं आपको माता पाथरी माता धोतनी वाली का ये उतारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपने एक दिया लेना है, सरसों के तेल का एक मिट्टी का आपने दिया लेना है, और उसमें आप बाती डाल लें, और इसके साथ आपने जोड़ा बूंदी वाले लड्डू का लेना है, और जोड़ा ही आपने लौंगों का लेना है। तो आपने भक्तजनों करना क्या है, जो वह दो लड्डू हैं उनमें आपने एक एक लौंग लगा लेना है,
जो आपने वह दो लौंग लिए हैं और यह जो सरसों के तेल का दिया है इसमें बाती डालने के बाद आपने दो लड्डू लौंगों वाले और इस सरसों के तेल के दिए को आपने माता पाथरी धूतनी वाली का ध्यान धरते हुए जब रात्रि को सूर्य अस्त हो जाए तो आपने इसको पूरे घर में से इसका एक उतारा करना है उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। आपने इसको पूरे घर में से वारना है इसका एक उतारा करना है और उसके बाद जितने आप घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से एक एक बार वारना ही काफ़ी है। एक एक बार सभी के ऊपर से उल्टा आप वार लें और उसके बाद आपने इसको सीधा लेकर जाना है जहाँ पर माता पाथरी धूतनी वाली का स्थान हो या फिर माता मैदान वाली चौगान वाली कलर वाली के स्थान के ऊपर भी आप ले जा सकते हैं। माता शीतला के दरबार में भी आप इसको ले जा सकते हैं या खुले कलर मैदान में भी आप इस दिए को ले जा सकते हैं जो जो उतारा है। तो वहाँ पर ले जाने के बाद आपने जो वह दिया है और जो वह दो लड्डू हैं जिनमें आपने दो लौंग लगाए हैं इनको आपने धरती में नीचे रख देना है और नीचे रखने के बाद आपने उस दिए को रोशन कर देना है जो माता पाथरी वाली माता धूतनी जी का यह जो चमत्कारी दिया है। तो इससे जो भी कोई नेगेटिविटी होगी आपके घर परिवार में जो भी कोई बुरी शक्ति होगी तो माता रानी का यह जो चमत्कारी चिराग है यह जो चमत्कारी दिया है और माता पाथरी धूतनी वाली की जो शक्ति है हर बुरी शक्ति का निवारण करेगी। उस दिए की लो में हर बुरी शक्ति का उतारा हो जाएगा हर बुरी शक्ति भक्तजनों जल जाएगी और आपके घर का पूर्ण रूप से निवारण करेगी माता धूतनी माता पाथरी वाली की यह जो शक्ति है अगर आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ इस उतारे को करेंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है या कोई नज़र टोटका है या कोई बुरी बाधा है या कोई बुरी छाया रात्रि को आपको नज़र आती है तो आप तभी इस उतारे को आप कर सकते हैं किसी भी दिन रात्रि के समय। लेकिन इस उतारे को वही भक्तजन करें जिनके घरों में माता पाथरी धूतनी वाली की मानता है। वैसे हरियाणा में माता रानी को बहुत से भक्तजन मानते हैं और हर घर में माता रानी की मानता है तो इस उतारे के द्वारा आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। और इसके अलावा भक्तजनों अगर घर की किसी समस्या के बारे में आप कुछ समाधान करवाना चाहते हैं अपने घर का कीलन करवाना चाहते हैं तब आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। घर की समस्या का निवारण करने के लिए अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं या घर के लिए कोई हवन सामग्री किट वगैरह आप हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं। कोई रक्षा सूत्र धागा तावीज आप मंगवा सकते हैं। मोहिनी वशीकरण करने वाले माता मोहिनी जी की शक्ति के वशीकरण करने वाले धागा तावीज सूत्र आप मंगवा सकते हैं जो जो आप नीचे व्हाट्सएप के नंबर देख रहे हैं इनके ऊपर बुकिंग करवाने के बाद। तो भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप साधना और समाधान चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली जय बाबा भैरवनाथ।